दोस्तों आपने हांडी मटन या कहूं कि आहुना चंपारण मीट तो बहुत बार खाया होगा, मगर आज मैं आया हूं दोस्तों पटना के सबसे ओल्ड और कह सकते हैं कि सबसे टेस्टी चंपारण मीट हाउस में। जी हां दोस्तों, यहां का जो मीट है, जो मटन है, वो बाकी सारी पटना में मिलने वाले चंपारण मीट हाउस से बिल्कुल डिफरेंट है और टेस्ट ऐसा कि बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, रेसिपी देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है और कैसा है इसका टेस्ट। हांडी मटन बनाने के लिए हमें ग्रेवी कितना चाहिए, अगर हमारे परिवार में लोग ज़्यादा हैं तो हम लोग ज़्यादा ऑनियन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक केजी मटन बनाने के लिए हम लोग 500 ग्राम के लगभग में प्याज लेंगे। फिर उसमें अपने स्वादानुसार नमक ले लेंगे, 2 टेबल स्पून के टाइप। लहसुन कुटा हुआ, कुछ लोग हैं कि सिर्फ मतलब खारा लहसुन डाल देते हैं तो ऊपर में जो छिलके होते हैं जिसके वजह से उसका फ्लेवर नहीं जा पाता है और वो स्वाद कंप्लीट नहीं होता है। तो ये लहसुन का पेस्ट ले लिया। ये लहसुन है जो कि इसके अंदर जो ये चीज़ होता है, अगर हम लोग डाल देते हैं इसको चूसने पर ही सारा स्वाद आएगा, लेकिन इसकी फ्लेवर बहुत सारी चीज़ें वो जो अंदर नहीं जाएगा। तो 2 फलियाँ हम लोग ले लेते हैं ये। अगर हमको तीखा ज़्यादा पसंद है तो हम लोग ग्रीन मिर्च ले लेंगे 4 और कुछ धनिया पत्ता ले लेंगे। उसके बाद आता है BMH मैजिक मसाला, ये 38 ग्राम का पाउच है, इसको पूरा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये कितने मटन के लिए सर, एक पूरा पाउच? 1 किलो के लिए। 1 किलो के लिए पूरा यूज करेंगे जी। उसके बाद आता है हमारा सरसों तेल, लगभग 200 ml इसमें चाहिए। और ये हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है ताकि इसकी जो कड़वाहट है वहाँ से वो निकल जाए। यही तो है प्राकृतिक चीज का, अगर हम लोग कच्चा तेल डालते हैं तो हांडी से जब वाष्पीकरण होता है और इसकी चीज को जब मेंटेन किया जाता है तो ये उस पूरे मटन को खराब कर देता है और वो स्वाद नहीं बन पाता है। और इसको अच्छी तरह से रब कर लेंगे, मिला लेंगे। आप देख रहे होंगे काफी अच्छे तरीके से मिला लिया, पर मसालों के साथ जो इसका कलर है वो भी बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो, बिल्कुल देखिए काफी कम मसाले में होते हैं इसमें, मतलब के 28 तरह का मसाला होता है और ये मात्र 38 ग्राम होता है। ये मसाले का खेला है, अगर सही मसाला, सही तेल और सही टेम्परेचर पर अगर आप बनाते हैं तो ग्रेवी इसका बहुत ही गाढ़ा होगा, पीएच लेवल भी बचेगा और इसका पोषक तत्व भी बचेगा और काफी स्वादिष्ट बनेगा। अब हम लोग मटन ले लेंगे। मटन के जो पीसेस होते हैं वो भी बड़ा चुन चुन के सही तरीके से उसको कटिंग होती है, कटिंग सही होनी चाहिए, गोल गोल होनी चाहिए कि इसके हांडी के अंदर में मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो, ये ध्यान में रखा जाता है जब हांडी को जब हम हिलाते हैं। जी जी, और उसी में पता चल जाता है, 1 से 2 बार बनाएंगे तो आप खुद कारीगर हो जाएंगे और 4 से 5 बार बनाएंगे तो इसके साइंटिस्ट हो जाएंगे। सही बात, जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा ये आप अनुभव प्राप्त करेंगे। हमारा जो हांडी होता है उसमें भी पहले से बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ होता है और जब हमारे जो किसी भी नमी पे रखते हैं, मतलब आग पे रखते हैं और धीमी आंच में जब चलता है तो इससे पानी भी निकलता है और हमारे ग्रेवी को गाढ़ा भी करता है। तो बेसिकली पहले से हांडी को धो के पानी में रखा जाता है? हाँ, नहीं, पानी में धोने के बाद 2-3 घंटे के बाद निकाल दिया जाता है। तो ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया, अब हम इसको डालेंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी हम लोग तेल डाल देंगे। अच्छा, इसको हिला देंगे और इसमें हम मटन डालेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो मटन है वो अच्छे से मिक्स कर लिया गया है मसालों के साथ, प्याज के साथ, और उसके बाद इस हांडी के अंदर इसको अच्छे से डाला जा रहा है और सिर्फ इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा गया है हांडी के अंदर, इसके अलावा कुछ भी मसाले जो हैं इसके अलावा नहीं गए, सिर्फ ओल्ड चंपारण मीट हाउस में जो भी चीज़ इस्तेमाल होता है, जैसे तेल हो या ये हो, सब यहीं पे तैयार होता है। ऑयल भी यहाँ पे तैयार होता है, इसमें गाद मिक्स तेल होता है
जो आपके आसपास में कहीं भी स्पेलर लगा हुआ जहाँ तेल पेरा था उस तेल को इस्तेमाल करेंगे। फ़ायदे क्या क्या हैं कि जब अगर उस तेल को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो स्वास्थ्य नलियाँ होती हैं वहाँ पे भी ग्रीसिंग का काम करता है, खाना को फंसने नहीं देता है और बहुत जल्द सूप अच्छे करता है। तो ये मसाला और ऑयल का ही कमाल है कि जिससे कि हाथ में तेल ना लगना, बर्तन में ना चिपकना और बहुत जल्द सुपाच्य होना। तो सही चीज़ खाइए और अच्छा खाइए, हेल्थ कोशिश खाइए। बिल्कुल, ये देखिए हमारा हांडी तैयार हो चुका है, इसको साफ कर लेंगे। उसके बाद ये जो ढक्कन दिखाए थे, ये जो राइस कुकर टाइप का बनाया गया है इसमें छिद्र भी है, अब इसको मैं ऐसे रख लेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी सर पानी नहीं डाला कुछ भी नहीं, आपके सामने में एज ए टीज है, आप लाइव देख रहे हैं भैया के चैनल से। तो सही में दोस्तों इसमें एक बूंद भी पानी इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ तेल डाला गया है, थोड़ा सा वो भी सरसों का तेल। सरसों का तेल दोस्तों बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और उसी का यूज़ किया गया है इसके अंदर, इसके अलावा कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली गई है। देखिए बहुत लोग हैं कि खारा मसाला इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर कहेंगे कि खारा मसाला अगर इस्तेमाल करना है तो आप अर्घ के रूप में इस्तेमाल कीजिए। चूँकि हमारी जो स्वास्थ्य नलियाँ होती हैं और दूसरी जो हमारी जो ब्रेंड होती है जो खाना को पड़ता है, और जब हम खाते हैं तो वहाँ पर लौंग हो या बड़ी इलायची हो या कोई भी चीज़ मतलब कि या फिर काली मिर्च हो, डायरेक्ट हमारे जो जो नलियाँ हैं वहाँ पर जो पड़ती है तो वहाँ पड़ने में देरी होता है, जिससे आपको खट्टा ढकार और कई तरह का मतलब कि गैस बनने का कारण होता है। तो खड़ा मसाला जब भी इस्तेमाल करें तो अर्घ के रूप में इस्तेमाल करें, एक पोटली बना लें और पोटली बनाकर पानी में उसको डाल दें, अगर निकल गया आए तो आपको मसाला भी कंप्लीट हो गया। देखिए हमारा हांडी तैयार हो चुका है, अब ये अंगेठी पे जाएगा एक न्यूनतम टेम्परेचर पे जिस पे खाना ये पकेगा। ये खुलेगा आपको एक घंटे के बाद ही, उसके अच्छा। एक घंटे के बाद इसको 15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ा जाए, जैसे प्रेशर कुकर में होता है। इसके एयर को बंद कर करके अगर कोई कच्चा पार्ट भी रह जाएगा तो वो बहुत इजली मतलब कि पक जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारे आहुना मटन के लिए ना सबसे पहले जो टेम्परेचर है वो सेट किया जाता है, थोड़े से आँच को ना देखिए किस तरीके से कोयले की आँच पे इसको रखा जाएगा, उसके ऊपर से राख डाली गई है ताकि जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहे, उसके ऊपर से जो ज़्यादा आँच ना लगे हांडी को। तो बस हमारी हांडी आ रही है और उसको इसके ऊपर रखते हैं। इसमें घंटा भर लगेगा। अच्छा, एक घंटा पूरा टोटल। इस घंटे भर में हम लोग चार से पाँच बार भी हिला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों ये रख दी गई है हांडी और अब इसको तकरीबन एक घंटे पूरा का पूरा रखा जाएगा, बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे ताकि जो मटन है वो नीचे से ना चिपके और जले ना, और उसके बाद इसको निकाल के मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके का है। आप देख रहे हैं कि हमने हांडी मटन चढ़ाया था, अब इसमें वास भी आना शुरू हो गया, अब इसको हम लोग चलाएँगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे तरीके से उतार लेंगे, उतारने के बाद हमारी ग्रेवी हमारे शरीर पर ना गिरे और हांडी फूटे नहीं, इसके लिए पहले सबसे पहले हम ऊपर में एक कपड़े लगा डाल देंगे और एक ग्लव्स की सहायता से इसको चलाएंगे। इस तरीके से ये 5 से 6 बार कर लीजिए और इसको फिर रख देंगे। मिट्टी की हांडी एक ऐसा हांडी है कि मिट्टी की हांडी में कोई भी खाना पकता है तो पहले तो 12 तरह का मिनरल मिलता है इसमें, उसके बाद है कि जब कोई भी पकवान इसमें बनता है तो जैसे दूध दही जमाइए या फिर आप दाल पकाइए, खिचड़ी पकाइए या कोई भी पकवान बने तो बहुत ही गाढ़ा होता है। ये होता कैसे है, तो जब हम इसको किसी टेम्परेचर पर रखते हैं और इसकी जब टेम्परेचर को जो ये मैनेज करता है, नमी को ये सोखता है, तो इसके अंदर कोई भी जो पकवान बनती है तो ऑक्सीजन लगने के बाद ये उसमें समावेश हो जाता है, मटन हो दाल हो कोई भी चीज़ पकवान बनाते हैं तो, और वो ग्रेवी बहुत ही गाढ़ा होता है। तो लिए दोस्तों हमारा जो हांडी मटन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है जैसे सर ने दिखाया और आ गया है हमारे टेबल के ऊपर, और अब सर अपना जो जादू है इस हांडी मटन को खोल के दिखाएंगे कि किस तरीके का हमारा जो हांडी मटन है वो पक के तैयार हुआ है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको खोला जा रहा है और आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारे आटे की सील लगाई थी ना वो अच्छे तरीके से इसमें लगी हुई है और इसने ना ढक्कन को पूरी तरीके से इसको सील बंद कर रखा है। क्या बात है दोस्तों, ये देखिए
अब देखिए इसमें ग्रेवी भी बिल्कुल लटपट है और ये लाइव बना है, जो आपने देख रहे हैं लाइव बना है। तो ग्रेवी इसकी पूरी सूखी मतलब ड्राई ग्रेवी, ड्राई होती है यही ओरिजिनल पहचान है। अगर हम इसमें कोई भी केमिकल वेस्ट अगर चीज डालते हैं तो फट जाएगा ये ग्रेवी, गाढ़ा नहीं। कभी दाल भी बनाते हो तो गाढ़ा होता है, दूध भी औरते होंगे तो दूध भी गाढ़ा हो जाता है। यही इसका सही तरीका है बनाने का। तो ये देखिए दोस्तों क्या बात है, बिल्कुल गर्मा गर्म हमारा मटन जो है वो बिल्कुल तैयार है। और आप चेक करिए ज़रा क्या टेक्सचर है, क्या कलर है, और जो खुशबू है उसकी जो खुशबू है वो बड़ी लाजवाब आ रही है। आप देखो किस तरीके से ना गर्मा गर्म मटन भी बहुत ही सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा बिल्कुल। तो जो फॉग जम रही है अभी लेंस के ऊपर, तो आप एक्सपीरियंस ले सकते हो कि बेसिकली क्या गर्मा गर्म मटन हमारा बन के रेडी है। और खुशबू सच बता रहा हूँ दोस्तों बहुत लाजवाब आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये अब प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए अब इसको करेंगे दोस्तों फटाफट से टेस्ट, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आनी शुरू हो चुकी है। तो ले दोस्तों ये लग गया हमारा आहुना मटन, और जो सबसे पुरानी मैं कह सकता हूँ और सबसे ओल्डेस्ट शॉप है ना पटना में जिन्होंने शुरुआत करी थी आहुना मटन की, आज उस शॉप का हम आहुना मटन ट्राई करने वाले हैं। और बनते हुए देखा हमने, बड़े ही लाजवाब तरीके से बनाया। गोपाल जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बेसिकली मटन जो बनाया जाता है आहुना वो किस तरीके से बनाया जाता है और अच्छा मटन कैसे आपको खिलाया जा सकता है ना। तो ये देखिए ये जैसे कि उन्होंने निकाला मेरे लिए, तो ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से इसकी ग्रेवी जो है बिल्कुल लटपट वाली सूखी सूखी सी ग्रेवी है, ज़्यादा गीली नहीं है बेसिकली, क्योंकि इसमें ना पानी जो है बहुत, मेरे ख्याल से पानी तो डाला ही नहीं था, तो पानी उसमें यूज़ ही नहीं किया गया था। जो ग्रेवी है हमारी जो ओरिजिनल रेसिपी होती है उसमें ड्राई ही होती है ना। तो ये देखिए मटन के पीसेस चेक करो ज़रा, क्या बात है, क्या बढ़िया तरीके से पका हुआ है, ये देखो है ना, वाह। तो आइए इसको ना अब साथ में, हमें ना सर ने सत्तू का पराठा दिया है जो कि बिहार की पहचान है भैया, सत्तू के साथ नहीं खाया अगर मटन तो मज़ा नहीं आने वाला। तो आइए सत्तू के साथ थोड़ा सा मटन ट्राई करके देखने कैसा है। तो ये टुकड़ा ले लेते हैं रोटी का, ग्रेवी लेते हैं, और देख रहे हो मेरे मुंह पे ना पानी आना शुरू हो चुका है, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ ना अब जो है मुँह में पानी भरता जा रहा है। ये लिया बाइट और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, आ जाओ। अनियन बेस्ड ग्रेवी है, जैसे कि मसालों के अंदर सारा सारा जो हमने प्याज डाला था वैसी है, हल्का सा स्वीट है, बल्कि हमने अनियन बहुत यूज़ किया मगर स्वीटनेस जो है ना इसकी हल्की सी है, मसालों का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और जो हमारा मटन है बिल्कुल उसका फ्लेवर जो है बहुत लाजवाब है, बहुत बढ़िया गर्मा गर्म है। तो अभी अभी हमने हांडी से निकलवाया और जरा भी हाथ में ऑयल नहीं चिपकेगा, हाँ, और बर्तन में भी जरा सा भी नहीं चिपकेगा, ये सबसे बड़ी खासियत है। बिल्कुल सर जैसे बता रहे थे ना कि आप खाएंगे भी, ओ हो ये देखिए जरा इधर आइए, देखिए पूरी तरह से मैंने इसमें, हाँ बिल्कुल हल्का सा मटन के बोन को ना खींचा था और जो मटन है वो अच्छी तरीके से पक चुका है, देखिए क्या बढ़िया तरीके से टूट रहा है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से ये मेरे ख्याल से पक गया है, इसको खा के देखते हैं एक बार कैसा है, आओ। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत जगह पे मैंने ना पटना में मटन ट्राई कर लिया है मगर ये जो है ना सबसे डिफरेंट है और मेरे ख्याल से बहुत यूनिक रेसिपी है, किसी की तरह इससे मैच नहीं करा सकते आप, क्योंकि इसमें मसाले जो हैं एक ही तरीके का मसाला डाला था जो सर का प्रीमिक्स है, इसके अलावा कोई मसाला यूज़ नहीं किया गया। तो आप भी वो मसाला मंगवा सकते हैं, जैसे कि बताया ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, बहुत लाजवाब टेस्ट है। आप भी यहाँ पे आइए टेस्ट करिए और टेस्ट करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए ये मटन और पराठा फटाफट से फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से ख़त्म करता हूँ है ना, बाय बाय।